उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में सूबे की सत्ताधारी योगी सरकार को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। एक लंबे समय से हाशिए पर चल रही कांग्रेस अपने संगठन में जान डालने के लिए जहां हर ब्लॉक और न्याय पंचायतों में अपने संगठन को खड़ा कर रही है, तो वहीं सियासी समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। तो क्या है प्रियंका का यूपी प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना बेहद मुश्किल है क्योंकि यहां स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण भी भारी रहते हैं। इसी के साथ ही हिंदुत्व की राजनीति भी पार्टियों को परेशान करती है। इसी सियासत को कांग्रेस पिछले 3 दशकों से समझने में नाकाम साबित हो रही है। यही वजह है कि हाथ में केवल हार लग रही है। अब तो हाथ हाशिए पर आकर खड़ा हो गया है, जिसे संभालने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है। वो तमाम मुद्दों पर काम कर कांग्रेस पे फिर से जान डालने की कोशिश कर रही है। सियासी समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे के तहत ही प्रियंका गांधी सहारनपुर के शाकुंभरी देवी और संगम में स्नान के साथ वृंदावन में बांके बिहारी जैसे मठ मंदिरों में दर्शन करती नजर आ रही हैं। साथ ही किसान बिरादरी से जुड़े हिंदू मुस्लिम सिख जाट गुज्जर और निषादों से मुलाकात के बाद अब दलितों को भी साधने की कवायद में जुट गई हैं। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आगामी 27 फरवरी को रविदास जयंती के मौके पर सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी स्थित गंगा किनारे उनकी जन्मस्थली घासीटोला में बने संत श्रोमणि गुरु रविदास मंदिर जाएंगी, जहाँ इस मौके पर लगने वाले मेले में शिरकत कर प्रियंका गांधी न सिर्फ संत रविदास के मंदिर में उनका दर्शन करेंगी बल्कि इस मौके पर पहुंचने वाले देश भर के दलित संतों से मुलाकात करने के बाद उनके साथ प्रसाद भी ग्रहण करेंगी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी रविदास मंदिर पहुंचेंगी। इससे पहले भी प्रियंका गांधी वाराणसी स्थित इस रविदास मंदिर में जा चुकी हैं, लेकिन ये दौरा अब काफी अहम हो जाता है क्योंकि यूपी चुनाव में अब महज 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में उनके ये दौरे कांग्रेस में नया दम भरने का काम कर रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रियंका का प्लान बीजेपी को परेशान कर कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में कितना मददगार साबित होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।